हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश सैंपल पेपर, ये मार्क्स 30 का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 20 मार्क्स जो है मैंने रीडर पोर्शन के लिए रखे हैं, तो आप उनको और ये ग्रामर पोर्शन को मिला के एक 50 मार्क्स का जो पेपर है वो सेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंसर्ट an और द एन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है। सो देखिए, ब्लैंक काउ इज ब्लैंक यूजफुल एनिमल। सो यहाँ पे क्या आएगा, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। एनिमल देखिए, यहाँ पे जो यू है वो वोवल्स है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, य की, इसलिए हम यहाँ पे अ यूज करेंगे। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। आयशा अ यंग लेडी ऑन द रोड, ठीक है। आई लव टू ईट एन एप्पल एंड एन ऑरेंज एवरी डे। ब्लैंक फार्मर सोल्ड, सो यहाँ पे क्या आएगा, द फार्मर, बिकॉज हम किस फार्मर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने ओक्स और बफेलो को सेल किया है। सो एन ओक्स एंड अ बफेलो, ठीक है। री राइट दी सेंटेंसेज यूजिंग प्रोनाउंस। देखिए, मैरी इज अ लिटिल गर्ल, मैरी हैड अ लैम्ब। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, मैरी इज अ लिटिल गर्ल, और अब यहां पे जो मैरी है उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, शी, ओके, शी हैड अ लैम्ब। लैम्ब क्या होता है, जो शीप होती है उसके बच्चे को हम क्या कहते हैं, लैम्ब कहते हैं। आई हैव अ बुक, सो इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, आई हैव अ बुक, और यहां पे जो द बुक है उसको हम क्या लिखेंगे, बुक के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, इट। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सॉरी आई स्मॉल आएगा, इंटरेस्टिंग। हेयर इज अ बैग, तो इसको तो हम सेम ही लिखेंगे, ओपन द बैग, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओपन इट। यहां पे बैग के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट, सो ओपन इट, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सर्कल द एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। द बॉय वॉज वेयरिंग अ रेड ड्रेस, तो यहाँ पे जो रेड है वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी स्पेशल क्वालिटी बता रहा है, किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, शर्ट के बारे में, ठीक है। शर्ट क्या है, यहाँ पे नाउन है, और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो रेड है। हिमांशु इज अ हैंडसम बॉय, सो यहाँ पे जो हैंडसम है उसको हम सर्कल करेंगे, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। अनिशा अ कलरफुल बटरफ्लाई, तो यहाँ पे जो कलरफुल है वो एडजेक्टिव है। विच हाउस इज योर्स, तो यहाँ पे जो विच है वो कौन सा है, वो एडजेक्टिव है। राइट द सिनोनिम्स, सो ऑलमोस्ट का क्या होगा, नियरली, मतलब लगभग। स्टार्ट का क्या होगा, बिगिन। सफिशियंट का क्या होगा, इनफ। एम्पटी का क्या होगा, वैकेंट। हाइड का क्या होगा, हाइड का हो जाएगा हमारा कंसील। स्मॉल का हो जाएगा टाइनी, और शॉर्ट भी हम यूज कर सकते हैं, ओके। एड आई एन जी टू दीज वर्ब्स, सो पैट का क्या हो जाएगा, पैटिंग। गो का क्या हो जाएगा, गोइंग। हग का क्या हो जाएगा, हगिंग। कम का क्या हो जाएगा, कमिंग। देखिए, जो वर्ब हमारी ई पे फिनिश होती है, ई वोवल पे फिनिश होती है, उसमें हम ई को हटा के आई एन जी लगाते हैं, और किक का क्या हो जाएगा, किकिंग, ओके। चेंज द जेंडर ऑफ नाउन एंड री राइट द सेंटेंसेज। द बॉय लव्ड हिज अंकल, सो देखिए यहाँ पे पहले तो बॉय नाउन है, तो क्या आ जाएगा, द बॉय का चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, गर्ल। लव्ड हर की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी हिज की जगह क्या आ जाएगा, हर, और अंकल की जगह आ जाएगा आंट, ठीक है। आपको इस तरीके से चेंज करना है, किंग की जगह क्या आ जाएगा, द क्वीन। द क्वीन लुक्ड एट द जेंडर, तो जेंडर का क्या आ जाएगा, गूज, ओके। ये बीच का मैं स्पेस छोड़ रही हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। हिज वाइफ, तो हिज की जगह क्या आ जाएगा, हर, और वाइफ की जगह क्या आ जाएगा, हस्बैंड। हर हस्बैंड इज अ रिच, यहाँ पे लेडी है तो लेडी का क्या आ जाएगा, मैन। हर हस्बैंड इज अ रिच मैन। द क्वीन की जगह क्या आ जाएगा, द किंग वॉज राइडिंग अ हॉर्स, तो देखिए हॉर्स की जगह क्या आ जाएगा, मेयर, ठीक है।
ओके सेवेंथ है अंडरलाइन द नाउंस एंड इंडिकेट द काइंड्स. देखिए यहाँ पे जो सिस्टर है और जो डॉक्टर है वो नाउंस है. यहाँ पे जो सिस्टर और डॉक्टर है वो है हमारे कॉमन नाउंस. कौन से हैं? कॉमन नाउंस. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. ट्रूथ क्या है हमारा? कौन सा नाउन है? ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सीमा इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट. तो सीमा क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉपर. और स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन नाउन. द पुलिस, अब जो पुलिस है वो हमारा हो जाएगा कॉमन. और जो थीफ है वो भी हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन. ठीक है. राइट द एंटोनिम्स, राइट द एंटोनिम्स. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा? रिजेक्ट. कम का गो. कॉमन, कॉमन क्या होता है? जो कॉमन हो सब में. तो यहां पे रेयर, यानी कि रेयर मतलब दुर्लभ, जो कोई चीज हमें बहुत मुश्किल से मिले, और कॉमन जो इजी हो. ठीक है. केयरफुल, केयरलेस. चीप, एक्सपेंसिव मतलब सस्ता, और एक्सपेंसिव मतलब महंगा. क्वेश्चन नंबर 9, 5 मार्क्स में हम क्या डालेंगे? राइट एन एसे ऑन माई बेस्ट फ्रेंड, भी आप लिख सकते हो, या काउ पे भी लिख सकते हो, जो मतलब आपका मन करे वो. यहां पर आप माई बेस्ट फ्रेंड के ऐसे आप अपने बच्चे के वर्कशीट में डाल सकते हैं, जो कि 5 मार्क्स के लिए होगा. ओके सो आज के सैंपल पेपर में सिर्फ इतना ही. होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी. टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.